इस ट्रोलिंग में मुझे जो करना है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लड़का मुस्लिम हो हिंदू हो, व्हाटएवर गेट्स मी मनी, यहाँ से पैसा आएगा मैं सब करूंगी। तो मैं देखा नहीं क्या करती, यहाँ से उठा के पटका देते हैं। लड़की तारीफ करती है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, पता है इन लोग का नहीं इतना अच्छा लगता। थैंक यू सो मच, कुछ नहीं मतलब बस मेरी स्टाइलिस्ट ने दे दी मुझे ड्रेस, मैंने पहन ली, इसमें मेरा कोई होगा नहीं, मुझे पहनना है तो मुझे मेरे पर ही डिपेंड करेगा ना। सो जॉइंट एफर्ट होता है, मेरा जो मन करता है मैं पहन लेती हूँ यार। This is also fabulous. I love fabulous. I don't give a fuck who is trolling me. मुझे जो करना है I'll tell you. People are gonna talk shit about me anyways. Now I want them to. Now I will give them shit to talk about me. They're gonna talk. Even जब मैं suit भी पहनती हूँ, they talk shit about me. So why not I give them shit to talk about, right? मैं उनका काम आसान करना चाहती हूँ। ये मैंने ये भी बोला था, मैंने बोला था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लड़का मुस्लिम हो हिंदू हो। मैं क्या कोई मुस्लिम बेचारा मुझसे खुद ही शादी ना करे यार, लुक एट मी। बट इट्स नॉट अबाउट दैट, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पेशल कोई होना भी तो चाहिए साथ में यार। तुम क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रही है, इसलिए आई है यहाँ पे, क्यों कर रही हो तुम ये? नहीं है यार कोई, ठीक है फाइन व्हाटएवर। मुझे कोई लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मस्त रहना है। ऐसे अभी कुछ लाइफ पार्टनर का कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने। व्हाटएवर गेट्स मी मनी, यहाँ से पैसा आएगा मैं सब करूँगी, मुझे क्या है। जब आएगा यार आप लोग देख लेना, मुझे ऐसे काम के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब आई कांट डू दैट, लाइक छोटा वो बड़ी बात लगता है, कांट डू दैट। मोर देन ट्रोलिंग, औरतों को ट्रोल नहीं किया जाता है, औरतों की इंसल्ट करी जाती है, ट्रोल आदमी होते हैं, आदमियों का मजाक उड़ाया जाता है, औरतों को नीचा दिखाया जाता है जब वो वैसे कपड़े पहनती है। दिस इज़ द डिफरेंस इंडिया में। आई हैव पर्सनली फेल दैट व्हेन अ वुमेन वॉक्स वेयरिंग अराउंड व्हाटएवर शी वांट्स, शी इज अ स्लट, बट अ मैन डज दैट, ही इज़ ब्रेव और दे मेक फन ऑफ हिम, बट फॉर अ वुमेन दे स्लट शेम हर। सो इट्स जस्ट इट्स रियली फक्ड अप, आई मीन समवन हैड टू ब्रिंग अ चेंज, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। यहाँ से उन्होंने मुझे तब नहीं बुलाया, आप क्या बुलाया, मतलब उनके ऊपर है ना। मैं आप बोलूँ हाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाके गेट के बाहर खड़ी हो जाऊँ, छाती पर लिखवा लूँ बिग बॉस मुझे बुलाओ, जब बुलाएंगे बुलाएंगे तब सोचा जाएगा। अभी से ये सब सोच नहीं सकते ना कि अच्छा मुझे बिग बॉस, जब बिग बॉस 20 आएगा ना, मुझे बिग बॉस 20 करना है, क्या पता कल को मैं मर जाऊँ। कैसे इतना लंबा सोच रहे यार मैं, नहीं वो नहीं कर सकती मैं, वो मुझे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं करना चाहती, ये क्वेश्चन क्या रीज़न है तुम्हें? तो देखा नहीं क्या करते हैं, जो यहाँ से उठा के पटका देते हैं, कुछ भी करते हैं, इतनी लंबी बिल्डिंग से बोलते हैं छलांग लगाओ, एक कीड़े मकोड़े तुम्हारे ऊपर, क्या रीज़न है? तो ये कैसा सवाल था इसका? मुझे मरना नहीं है, मुझे नहीं करना भाई, मुझे जिंदा रहना है और सही से रहना है। अरे चाहे जितने लगा दो डर तो लगता है ना, तुमको कोई बोले यहाँ पे मैं बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ पकड़ लूंगा तुमको, कुछ जाओ नीचे कुछ जाओगी, डर तो लगेगा ना। क्यों मैं चंद पैसों के लिए अपने नहीं नहीं दिमाग का नहीं, ठीक है। थैंक यू गाइस।